Assalamualaikum everyone, मैं हूं नदीम शहजाद from Galaxy Mobile। तो दोस्तों आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo की तरफ से एक नया मॉडल लॉन्च किया गया Vivo Y03T जो कि Vivo Y03 के बाद अब मार्केट में नया लॉन्च किया गया। आज हम इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस मॉडल में कौन कौन से फीचर्स नए ऐड किए गए हैं और Vivo Y03 से इस मॉडल में कौन सी चेंजिंग की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Y03T की रैम मेमोरी की, तो ये 4+4 रैम और 64GB स्टोरेज वाला मोबाइल फ़ोन है। कलर्स की बात करें तो कलर इस मॉडल में दो तरह के हैं, ब्लैक और दूसरा कलर जो है इसमें एक ग्रीन कलर आया। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो मोबाइल डिवाइस मिलती है। मोबाइल डिवाइस को हम कर लेते हैं यानी आप और मोबाइल को हम कर लेते हैं ऑन। मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं मोबाइल की एसेसरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें मोबाइल की एसेसरी की, इस मॉडल में सबसे पहले जो चीज़ मिलती है इसका बैक केस ये है, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट सा वाइट सिलिकॉन केस इस मॉडल में दिया गया है। जो इसके अलावा मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक्स दी गई हैं। अब अगर हम बात करें इस मॉडल में Y03T में जो अडाप्टर मिलता है वो 3 एम्पेयर का 15 वाट का इस मॉडल में फास्ट अडाप्टर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में जो केबल मिलती है, केबल टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल बॉक्स के अंदर हमें जो सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है। मोबाइल की सेटिंग ऑलरेडी हमने कर ली है जी कंप्लीट। और अगर हम बात करें सबसे पहले इस मॉडल के बैक डिज़ाइन की, तो बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि जो इसका बैक डिज़ाइन है वो बिल्कुल 03 से बिल्कुल मिलता जुलता इस मॉडल का बैक डिज़ाइन दिया गया। बैक इसकी बैक जो है इसकी मैट फिनिशिंग वाली प्लास्टिक की बैक दी गई है। और अगर हम बात करें इस मॉडल के बैक कैमरा लेंस की, तो डुअल साइड के साथ मेन कैमरा लेंस जिसमें भी 13 मेगापिक्सल का दिया गया, LED फ्लैश लाइट दी गई है। और अगर हम बात करें मोबाइल की राइट साइड की, तो राइट साइड पे हमें पावर की ऑप्शन मिलता है, वॉल्यूम ऑप्शन इस दी गई है। मोबाइल की नीचे वाली साइड पे जो ऑप्शन मिलते हैं वो माइक का ऑप्शन दिया गया। टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी इस मॉडल में, जो है वो माइक हैंड फ्री का ऑप्शन दिया गया जो कि 3.5 mm का हैंड फ्री का ऑप्शन मिल गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के स्पीकर की, तो इस मॉडल में सिंगल स्पीकर दिया गया जो कि मोबाइल की ऊपर वाली साइड पर ऑप्शन मिलता है। और अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। इसे भी ओपन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिम ट्रे की, तो सिम ट्रे आप देख सकते हैं कि डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इस मॉडल में स्लॉट दी गई है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें 6x03T में जो डिस्प्ले है वो 90Hz रिफ्रेश रेट वाला IPS डिस्प्ले दिया गया, 6.5 इंच का इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया। और अगर हम बात करें इस मॉडल की जो स्मूथनेस की, तो आप देख सकते हैं 90Hz रिफ्रेश रेट वाला इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल में जो इस मॉडल के जो मेन्यू है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू। और अगर आप बात करें इस मॉडल का जो मेन्यू पहले 2022 में आता था, वो अगर आप मेन्यू इसका इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो इस मॉडल में फीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया। सिंपल व्यू के नाम से एक नया आइकन ऐड किया गया, वो आप अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इस पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग करने के बाद ये आपको पुराना इस मॉडल में जो फीचर आता था वही आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको आइकन बड़े बड़े नजर आएंगे। और अगर हम बात करें इस मॉडल में, जब आप इस मॉडल पे कोई भी नंबर ऐड लिखते हैं, वो आप देख सकते हैं बड़े बड़े इस मॉडल में आप इसमें डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल की जो ये सिंपल व्यू है, सिंपल व्यू को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी ख़त्म भी हो जाएगा, ये फिर से पुराने वर्जन पे चला जाएगा। वो आप देख सकते हैं एग्जिट सिंपल व्यू पे आप क्लिक करते हैं, तो ये पुराना जो ऑलरेडी वीवो की तरफ से ये चल रहा है, ये ही आपको आइकन नज़र आएंगे और दूसरा जो सिंपल व्यू है वो ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इस मॉडल में जो पंच होल वाला इस मॉडल में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इनकी पिक्चर क्वालिटी क्लिक करके मैं आपको कैमराज का मैं आपको रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ फ्रंट और बैक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस मॉडल के बैक कैमरे की, तो बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया। इसकी पिक्चर हम क्लिक करके मैं आपको रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मॉडल की पिक्चर क्वालिटी की, तो वो आप देख सकते हैं कि जो 13 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा दिया गया। और अगर हम बात करें पिक्चर क्वालिटी की, तो काफ़ी बेहतर इस मॉडल में पिक्चर क्वालिटी ये प्रोवाइड हमें कर रहा है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का दिया गया, वो भी आपको पिक्चर क्लिक करके इसका भी रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का दिया गया, लेकिन ये अगर आप 5 मेगापिक्सल के लिहाज से इस मॉडल की पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर हमें पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम बात करें कैमरे को ओपन करने पे जो हमें
फीचर्स मिलते हैं वो मैं उनकी बात करें, जिसमें फोटो का ऑप्शन दिया गया, फोटो के साथ ही हमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, नाइट का ऑप्शन मौजूद है जी, वीडियो का ऑप्शन दिया गया। वीडियो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप 1080p पे भी 30fps पे वीडियो बना सकते हैं और 720p पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मोर का ऑप्शन दिया गया, मोर पे आप पैनल का ऑप्शन दिया गया, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया, स्लोमो का ऑप्शन दिया गया, लाइव फोटो बनाने का ऑप्शन दिया गया और प्रो का ऑप्शन इस मॉडल में मौजूद है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की बैटरी की, तो 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अडाप्टर की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 15W का फास्ट चार्जिंग वाला अडाप्टर मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन भी बिल्कुल लेटेस्ट इसमें एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 14 इस मॉडल में एंड्रॉयड वर्जन दिया गया। वो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 14 दिया गया। और अगर हम बात करें इस मॉडल के प्रोसेसर की, तो ऑक्टाकोर का इस मॉडल में प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट की बात करें तो यूनिसॉक T612 जो है इस मॉडल में चिपसेट दिया गया, गेमिंग वाले इस मॉडल में, जो नॉर्मल यूज़ वाला इस मॉडल में चिपसेट दिया गया। एक चीज़ की इस मॉडल में कमी है, जो कि इस मॉडल में फिंगर का ऑप्शन नहीं दिया गया। इसमें आप फेस लॉक का ऑप्शन मौजूद है, पैटर्न का और पिन का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसमें ना ही बैक पे और ना साइड पे, इसके अलावा ना इन डिस्प्ले, कोई भी इस मॉडल में फिंगर का ऑप्शन नहीं मिलता। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की, जो मेन चीज़ है इस मॉडल की प्राइस है, Y03T की जो इनवाइस आई है वो Y03 के मुकाबले ही में इसकी इनवाइस लॉन्च की गई है। 28,000 रुपये इस मॉडल की इनवाइस लॉन्च की गई है और ये आपको मार्केट से 26,000 से भी कम प्राइस में इजीली मिल जाएगा। Y03 के मुकाबले ही में ही ये मार्केट में मॉडल लॉन्च किया गया। अब हम दोनों मॉडल का इन दोनों मॉडल का कंपैरिजन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, Y03 का और Y03T का, इनमें इन चीज़ों का फ़र्क किया गया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।